गुजरात के सूरत में कई इलाकों में बाढ़, मीठी खाड़ी में जल स्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके पानी में डूब गए। ओडिशा में बाढ़ निरोकी रफ्तार, चार दिन तक बने रहेंगे बाढ़ वाले हालात। महानदी पर बना डैम का हिस्सा टूटने से बाढ़, ओडीआरएफ एनडीआरएफ दमकल टीम्स मौके पर तैनात। ओडिशा राज्य के 10 से अधिक जिले इस समय जलमग्न हैं। पुरी से लेकर संबलपुर तक अधिकतर इलाकों में अभी भी भरा हुआ है पानी। 11 के बाद भीषण बाढ़, करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। एमपी के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 14 गेट खुले, 30 से ज्यादा दुकानें डूबी, 9 फीट पानी भरा, स्कूलों में छुट्टी। यूपी के ललितपुर में राजघाट डैम से छोड़ा गया करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी, झांसी के कई गांव में बाढ़ का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 साल बाद बाढ़ का भयानक मंजर, 7 जिलों में 10 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश में कई बांधों से छोड़े गए पानी के बाद नदियों में उफान, ओरछा में बीच टापू में 7 दिन से फंसे युवक का रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लकड़ी लेने के लालच में नदी में उतरा युवक, अचानक तेजी से जलस्तर बढ़ने पर फंसा, 10 घंटे बाद रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, 2 दर्जन गांवों में मुनादी की और पोस्टर चिपकाए गए, गांव खाली करने के निर्देश भी दिए गए। यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में पहाड़ों से गिर रहे हैं पत्थर, धरासू के पास लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवाहर टनल के पास बादल फटने से तबाही मची, टेंट बहे, 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के फतेहपुर में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, स्कूल बस फंसी, बच्चे डरे, जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया बाहर। यूपी के मऊ में घाघरा नदी में तेजी से बढ़ रहा है कटान, कई गांवों के लोग पलायन के लिए मजबूर। राजस्थान के भीलवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में उतरी, बस में 60 यात्री थे सवार, आसपास के लोगों ने यात्रियों को निकाला, पार्किंग समझकर उतारी थी बस। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू, 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर बांध के 10 गेट खुले, निचले इलाकों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर 204.84 मीटर हुआ। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर विवाद, कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण के केस में वारंट जारी है। कार्तिक कुमार ने लालू से मुलाकात की लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोले, चुप्पी पर सवाल। एसएसपी पटना ने प्रेस रिलीज में माना कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर घिरी नीतीश सरकार, बीजेपी के बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी कार्तिक को मंत्री पद से हटाने की मांग की, कार्तिक के वकील ने कहा आरोप बेबुनियाद। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू में बगावत, विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर उठाए सवाल, कहा लेसी वसूली और मर्डर करवाती है। लखीमपुर खीरी में आज से किसान संगठनों का 75 घंटे का धरना, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। राजस्थान के जालौर में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अरनिया में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, निशानदेही पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद करने गई थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा है, इनके पास से आपत्तिजनक साहित्य भी मिला। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान से आए ट्रक में संदिग्ध विस्फोटक मिला, बम स्क्वाड ने किया नाकाम। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में आज दोपहर 12 बजे शिवसेना का होगा प्रदर्शन।
सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कमरिया घाट पुल का लोकार्पण भी करेंगे। झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबरों को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया, डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज, गवाहों को धमकाने का आरोप। डीएमआर केस के दोषी आनंद मोहन पर एबीपी न्यूज की खबर का असर, जेलर मृत्युंजय कुमार और दो वार्डन सस्पेंड। पेशी के नाम पर परिवार से मिलने की सामने आई थी तस्वीरें। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सुरक्षा सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के साथ मॉस्को में की द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ट्रेन में बच्चों के टिकट को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं, रेलवे ने कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना वैकल्पिक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1652 नए मामले आए सामने, 8 मरीजों की मौत, संक्रमण दर 9.92% हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जाड़ियाला इलाके की घटना। मेरठ में बेटी के प्रेम विवाह करने की जिद पर पिता ने सिर काटकर की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। ज्ञानवापी केस में पैरोकार को धमकाने का मामला, डॉक्टर सुमन लाल ने कहा पाकिस्तान से मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला, लड़की के चेहरे को भी जलाया, पेड़ पर लटका मिला शव। दिल्ली में सास बहू के मर्डर की गुत्थी सुलझी, पोते के दोस्त ने घर में लूटकर हत्या को दिया अंजाम, मां और दादी की देखभाल के लिए दोस्त को दी थी जिम्मेदारी, आरोपी गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव में जोधपुर में एक युवक ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, युवक को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में तेल के गोदाम में देर रात लगी आग, आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। काबुल की अबू बकीर सैदिक मस्जिद में भीषण बम धमाका, इमाम समेत 30 लोगों की मौत, 60 ज्यादा जख्मी। आज से लगातार 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, आरबीआई ने बैंक के लिए इस महीने की छुट्टियां निर्धारित की। एलआईसी का स्पेशल कैंपेन शुरू, 21 अक्टूबर तक एलआईसी की लैप्स हो चुकी पॉलिसी को एक बार फिर से एक्टिव करा सकते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर सरकार का फैसला। सैमसंग का फ्लिप एंड फोल्ड फोन लॉन्च, 2 सितंबर से अमेजॉन पर बिक्री होगी शुरू। इस सीरीज में 3 तरह के फोन्स हैं जिसमें एक फ्लिप और दूसरा फोल्ड है। कलर चेंजिंग फीचर के साथ वीवो V25 Pro 5G लॉन्च, फोन में एंड्रॉइड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 12 दिया गया है, 35,000 से लेकर 39,000 तक है कीमत। 10,000 से कम कीमत में लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स हॉट 12, फोन में 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज मिलती है। अमेजॉन पर नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज वॉच लॉन्च, 50% डिस्काउंट के साथ केवल 3,000 रुपए में मिल रही है वॉच। मीवी डुओपॉड्स 50 की कम कीमत में हुए लॉन्च, मिलेगा 50 घंटे का बैटरी बैकअप भी, ईयरबड्स 1 घंटे में फुल चार्ज होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।